आइए अब एक मस्ती भरी रचना सुनाता हूँ। साहित्य की बात है, मैं यहाँ कुछ ऐसे पुराने साहित्यकारों को याद करना चाहता हूँ। आप लोग सब आनंद लेंगे, मेरी बहुत विशेष रचना। मैं आपको श्वेता जी, अगर आप आदेश करें तो मैं सुना दूँ। देखिए, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत अच्छी एक बात आई, सीधे सीधे सुनाता हूँ कि एक नायक अपनी नायिका से, एक नायिका अपने नायक से कहती है कि किम करवाणिम कपिल कपौलो में, ये शास्त्रीय बात है, अर्थात मेरे गोरे गाल हैं, इनका मैं क्या करूं। नायक जो कहता है आप सब लोग जानते हैं, हाँ, क्योंकि आप भी तो मनुष्य हैं। अब हमारे अरुण जमनी ये भी देवता आदमी, और देवता भी ऐसे मित्रों जो बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। आप लोग, मैं क्षमा चाहूंगा, ये बहुत ही विशेष प्रकार के देवता है। मैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे बड़े भाई इसलिए हैं क्योंकि मैं इनका छोटा भाई हूं, मैं इनसे ऐसा कैसे। आप लोग सीधा सीधा कविता से जुड़ना, मैं विशेष साहित्यकारों को याद करना चाहता हूं। एक समस्या है श्वेता जी, मेरे गोरे गाल तो मैं क्या करूं। इस समस्या का समाधान देश के 6 बड़े साहित्यकार, ये साहित्य आज तक का मंच है, और यहां मैं नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा। आदरणीय हरिवंश राय जी बच्चन, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, काका हाथरसी, सुमित्रा नंदन पंत, कवि प्रदीप, और श्याम नारायण जी पांडे, अगर उनके सामने समस्या आती, मेरे गोरे गोरे गाल तो मैं क्या करूं, उस समस्या का समाधान निराकरण वो अपनी भाषा में, अपनी शैली में किस प्रकार से करते, जरा आपका मन होता एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सबसे पहले आदरणीय हरिवंश राय जी बच्चन, आपने उनकी मधुशाला पढ़ी होगी, सुनी होगी। बच्चन जी के सामने चौथी पंक्ति पर मैं आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। मैंने गालों को लेकर एक बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, आपके तो खैर है ही नहीं। गाल आदरणीय हरिवंश राय जी बच्चन मधुशाला तक पहुंचना। तेरे गोरे गोरे गालों ने क्या जादू कर डाला, ये क्या जादू कर डाला, गाल तेरे मुझको यूं लगते जैसे हाला का प्याला, गाल तेरे मुझको यूं लगते जैसे हाला का प्याला, हाला के ब्याला गो बाला मादक और बना दूंगा, आला गे ब्याला गो बाला मादक और बना दूंगा, एक बार गालों मेरे अधरों से सुन लो मधुशाला, अधरों से। आदरणीय श्याम नारायण जी पांडे, वीर रस के कवि, भाई वेद ने जिक्र किया, इतने तेज बोलते हैं, चीखते चिल्लाते हैं कि आदेश होता तो घबरा कर तालियां बजा देते। श्याम नारायण जी पांडे जिन्होंने हल्दी घाटी महाकाव्य लिखा, उनके सामने समस्या आती, उन्होंने टकार और डकार वर्णों का बहुत प्रयोग किया। आप लोग आनंद लेंगे, और इस पर मैं आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। श्याम नारायण जी के सामने समस्या आती तो किस प्रकार से समाधान कर, तेरे गाल है महाकाल विद्युत गर्जन का टूट पड़ो, तेरे गाल है महाकाल विद्युत गर्जन का टूट पड़ो, ये सागर के वटवाला तू अग्नि भर का टूट पड़ो, हे रणचंडी गंड प्रचंडी घन घन कर भूदंडों को, हे अग्नि धर्मा शोणित कर मागर खंडित तो पाखंडों को, हे अग्नि धर्मा शोणित कर मागर खंडित तो पाखंडों को, तेरे गालों के दावानल से कोई नहीं बच पाएगा, तो इन गालों का बम बना ले पाकिस्तान जल जाए। ये थे श्याम नारायण जी पांडे। चलिए, पांडे जी का आप लोग ने आनंद लिया। अब माननीय वाजपेयी जी के सामने समस्या आती है। मैं आज तक के इस मंच के माध्यम से मेरे परम प्रिय कवि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी श्रद्धांजलि पहुंचाना था। क्या नेता था साहब, आप लोग आनंद लेना। भाषण देते देते कविता करते थे, कविता करते करते भाषण, कुछ भी, एक एक शब्द का आप लोग आनंद लेना। माननीय वाजपेयी जी के सामने समस्या आती तो किस प्रकार से समस्या, पता नहीं
ये देश कहां जा रहा है, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक समय था जब इस देश में सालों की समस्या थी, फिर घोटालों और दलालों की समस्या आई, अब गालों की समस्या है। हमने मोदी जी से कहा था, मोदी जी समस्या को आप सुलझाइए। मोदी जी बोले, अटल जी इस माया में हमें मत उलझाइए। हमने कहा, सत्ता के साथ ये समस्या हमें सौंपो। यद्यपि हम इस क्षेत्र में बहुत नए हैं, लेकिन शादी नहीं हुई तो क्या है, बारात में तो गए हैं। और मेरा विशेष प्रयोग, यहां बहुत साहित्यिक लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय सुमित्रानंद जी पंत, श्वेता जी प्रकृति के बड़े सुकोमल कोमल कांत कवि थे, भाषा का बड़ा निर्मल विशुद्ध और साहित्यिक प्रयोग किया आदरणीय पंत जी ने। अब एक एक शब्द का आनंद लेना, उनके सामने समस्या आती किस प्रकार, हे कामिनी, हे कामिनी मानिनी भाविनी भामिनी, ललिता वनिता त्रिनिता पाविनी, तेरे कपोल हैं गोल अमीय सम सरस रसीले, एक एक शब्द सुनिएगा, तेरे कपोल हैं गोल अमीय सम सरस रसीले, ये भंवरे हो जाएं अमर बूंद जो इनकी पीले, तेरे इन गालों का स्तंभन उन्मादन संबोहन चुम्बन देखेंगे, कैसे पीते मकरंद मधु पिया देखेंगे, हे वासंती मालिनी शालिनी गालों से हमें रिझाओ ना, इनका निदान हम कर देंगे प्रियम वदा पास तो आओ ना।